गाडरबरा तहसील के अंतर्गत जनपद पंचायत चिचली के आने वाले ग्राम पंचायत पलेरा के ग्राम बेरखेड़ी में वाटर सेट एजेंसी के द्वारा जो अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है वह कछुए की चाल की तरीके से विगत 10 माह से वाटर एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि गुणवत्ताहीन है एवं लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है, जिसके चलते यहां के क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और उनका कहना है कि यदि यह तालाब गुणवत्ताहीन बढ़ गया तो इससे शासन के पैसे के लाखों रुपयों के चूना लगेगा और इसकी जांच कराई जाए और शीघ्र इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए जिससे कि यह अमृत सरोवर सही तरीके से बन सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है क्षेत्रीय लोगों की जुबानी गुणवत्ताहीन तालाब की पूरी कहानी। जनपद पंचायत चिचली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पलेरा के ग्राम बेलखेड़ी में जो पूर्व कलेक्टर आदरणीय रोहित सिंह जी के दिशा निर्देश पर अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा था, तो करीब 10 महीने वाटर सेट एजेंसी को हो गए हैं, उसके द्वारा यहाँ पे लापरवाही पूर्वक कार्य किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं, आप देखिए यहाँ पे 7 किलोमीटर से पानी बह के आता है। अब ये छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्या ये पानी रुक पाएगा? ये पहली बरसात में ये बह जाएगी। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब आदरणीय SDM मैडम से निवेदन करता हूँ कि वाटर सेट एजेंसी द्वारा कई बार हमारे द्वारा शिकायत की गई, अभी भी लापरवाही पूर्वक कार्य किया जा रहा है। गाडावारा SDM मैडम, आदरणीय कलेक्टर साहब, इस ओर ध्यान दें जिससे कि जो ग्रामीणों ने जब ये बन रहा था तो बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन वाटर सेट एजेंसी द्वारा लीपाई पोती की जा रही है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पत्थर लगाया जा रहा है, क्या इन पत्थरों से ये पार रुक जाएगी? ये बड़ी लापरवाही पूर्वक, आगे भी देखिए 15 लाख से ऊपर की ये योजना है। इस तरफ भी देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लगाए जा रहे हैं। इन पत्थरों से क्या पानी रुक जाएगा? ये देखिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लगाए जा रहे हैं, वाटर सेट एजेंसी द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह के पत्थर लगा जा रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर, क्या इनसे पार रुक जाएगी? पास में दूधी नदी है जो बड़ी नदी मानी जाती है। तो आदरणीय अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें जिससे कि ये काम सही ढंग से हो सके। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद अहरवार, बीरखेड़ियार से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ जो तालाब बन रहा है, सरोवर तालाब बन रहा है, उसमें सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थर लगाए जा रहे हैं, जो कि बरसात आएगी तो एक ही बरसात में सब बेकार हो जाएंगे। प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि काम ठीक से कराया जाए और मतलब तालाब का निर्माण किया जाए। भैरव प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम रहमा। भैरव प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम रहमा, पंचायत पलेरा, जनपद चिचली। जो जबलपुर की टीम आई थी तो तालाब को काम लगा और वो छोटे बोल्डर है उसमें, और जब बरसात आएगी तो पूरे बोल्डर बह जाएगा, उसमें बड़े पत्थर लगने चाहिए। बाके बाद नरसिंहपुर की टीम आई, उसने भी फटकार लगाई, जबलपुर की आई उसने भी टीम लगाई, लेकिन अभी तक काम सही तरीका से नहीं चल रहा। यानी कितने लाख की योजना है? 15 लाख की योजना है जी। तो सही काम नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं।